बेटियों को न्याय दिलाने के लिए दर दर भटक रहा पिता। एक परिवार के तीन लोगों ने तीन बहनों पर सरिये सांकल वे रस्से से हमला कर दिया। तीनों घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत नाजुक बनी हुई है। इसके बावजूद भी जहाजपुर पुलिस ने सामान्य धारों में मुकदमा दर्ज कर लिया और कोई गिरफ्तारी भी अब तक नहीं की। ऐसे में आरोपित पक्ष द्वारा मामला समाप्त करने और राजीनामा करने के लिए न केवल दबाव बना रहा है, बल्कि परिवार को जान से खत्म करने की धमकी भी दी जा रही है। बेटियों को न्याय दिलाने के लिए पिता अब दर दर भटक रहा है। इस पिता ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर मुकदमे में उचित धारा ऐड कर दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। और इस वजह से वो ये है कि ये जो सट्टे का काम करते हैं ये लोग, जिसका नाम है जावाद और उसकी माँ का नाम है शकीला, और उसके छोटे वाले भाई का मैं थोड़ा नाम चूक रहा हूँ, बाकी तीनों माँ बेटे थे ये मारने में। रात को पुलिस की गाड़ी आई इनको पकड़ने के लिए, तो वो सब किया कि इन्होंने बुलाई ये गाड़ी, उसके बलबूते पे मैं तो वहाँ से घर से निकल गया था, खेत पर चली गया था, और पीछे से जो तीनों बच्चों को घर में घुस कर बुरी तरह से मारा, जिसके एक बच्ची की हालत जो उसको दिया लोहे के पाइप की दिया, जो सिर फोड़ दिया और आगे जो दिमाग की नस जाती थी, 24 घंटों से वो बेहोश रही। जाजपुर से रेफर किया तो मैं भिलवाड़ा लाया, भिलवाड़ा से भी रेफर किया तो कोटा ले गया, कोटा जाके उनको भर्ती कराई, 5 दिन कोटे वालों ने रखा और वहाँ से भी रेफर कर दी उनको। मैंने जो रिपोर्ट दर्ज करवाई वहाँ पर जाजपुर थाने में, तो उन्होंने नॉर्मल धारा बना के मुकदमा दर्ज कर लिया और कोई कार्रवाई नहीं की, उन मुलजिमों को कोई गिरफ्तार नहीं किया है। और मेरी बच्ची जो मरने में आ रही है, नहीं तो मरने में है ना कोई जिंदा रहने में, वो आधी आज से हॉस्पिटल वालों डॉक्टर साहब ने बोल दिया। कार्रवाई क्यों नहीं की उन्होंने? कार्रवाई नहीं की साहब, 3,000 रुपये मांगे थे मेरे पास से, जो मेरे पास 3,000 रुपये नहीं थे, 1-1.5 लाख रुपये जो मोहल्ले वालों से पड़ोस से मैंने उधार लेके बच्ची के सर लगा दिया, और उन्होंने जो धारा जो कमज़ोर बता दी है, इस वजह से उनको गिरफ्तार नहीं किया, इस वजह से SP साहब के पास आया हूँ मैं। किसने मांगे 3,000 रुपये? ये मांगे थे साहब कैलाश जी ने, दीवान साहब ने, जाजपुर थाने के, जाजपुर थाने वाले ने। अब आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि कैसे भी करके मुलजिमों को गिरफ्तार करके इनको सजा मिलना चाहिए और मेरे को अन्याय मिलना चाहिए मेरी बच्ची के हक के महीने। क्या नाम आपका? हकीम नाम है मेरा, रहने वाला जाजपुर का हूँ, वार्ड नंबर 7 है, कोल्ला मोहिला है। पॉपुलर न्यूज ऐप से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन को दबाना न भूले, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।